क्या आप जानते हैं होली, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है रंगों का त्यौहार या फिर फेस्टिवल ऑफ कलर्स, असल में एक इमोशन है। और मेरे दोस्त, अगर आप इस इमोशन को समझना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बारी वृंदावन होली मनाने ज़रूर जाना। इस साल नहीं जा सकते, टाइम की शॉर्टेज है। चलो मैं ले चलता हूँ। करना क्या है, दोस्त को बुलाओ। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। बैग उठाओ और निकल पड़ो यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा सीधा वृंदावन। इस पूरे सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन कैमरे के पीछे से, क्योंकि हो जाता है यार, धोखा हो जाता है। धोखा ही तो ज़िंदगी का नाम है, और इस बार ही धोखा दे दिया मेरे गैजेट्स ने। तो बात कुछ ऐसी है कि वृंदावन आता है ब्रज में, और ब्रज के अलग अलग गांवों में, कस्बों में अलग अलग दिनों में होली मनाई जाती है। जैसे नंदगांव में लठमार होली, बरसाने में लड्डू वाली होली, बाकी और तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि यार मैंने भी ये सब चीज़ें इस बारी मिस कर दी। पर वृंदावन की जो होली है वो 4 से 5 दिन चलती है, और हम आज सही समय पर सही मौके पर वृंदावन पहुंच गए। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं वो दारू पार्किंग में 100 रुपये दे के 8 घंटे के लिए अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा सकते हैं। इसके आगे स्पेशली होली के दौरान आपको गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ से 20 या 30 रुपये का आपको एक टुकटुक मिलेगा, जो कि आपको आपके मंदिर की तरफ छोड़ देगा। अब भाई इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, साथ साथ चल रहे हैं तो फ़र्ज तो बनता ही है ना मेरे भाई। तो भाई लोगों, एक बारी राधे राधे बोलना तो बनता ही है ना, इतनी दूर आ चुके हैं, अभी तक बोला भी नहीं है, तो बोल लेते हैं राधे राधे, जय श्री राधे। और अपने गाने को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर की सराउंडिंग्स में फाइनली एंटर कर चुके हैं मेरे भाई। चारों तरफ से आपको अलग ही माहौल दिख रहा होगा, कहाँ से रंग आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन किसको रंग लगा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। बस यहाँ की जो वाइब्स हैं, यहाँ का जो ऑरा है, वो ऐसा गजब वाला है कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी चाम आपको महसूस करने के लिए नहीं मिलेगी। बस यार यहाँ पर बंदरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि जो बंदर होते हैं ना, वो आपका चश्मा या टोपी या बैग भी छीन के ले जा सकते हैं, और उसके बदले में उनको कुछ खाने को देना पड़ेगा आपको। तो तैयारी रखिए, धीरे धीरे आगे चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और सही में होती है, लास्ट ईयर तक होती थी, पर इस साल करिश्मा ही हो गया। बाके बिहारी जी की मेरे ऊपर कृपा समझ लो, या फिर टाइमिंग समझ लो, कि भाई भीड़ बहुत ही कम मिली इस बारी, और प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम कर रखे थे। लास्ट टाइम जब मैं गया था, यानी 2023 में गया था, तो इतने अच्छे और इतने पुख्ते इंतज़ाम नहीं थे, बट इस बारी भाई सब बिल्कुल ही अलग लेवल के सीन्स थे। देखते ही देखते मेरे सामने पहली झलक आ गई बाके बिहारी जी के मंदिर की, और पलक झपकते ही मैं पहुंच गया मंदिर के परिसर में। हल्की फुल्की धक्का मुक्की के साथ आपका भाई पहुंच गया सीधा सीधा बिहारी जी के सामने, यानी सामने की सामने एकदम बिहारी जी के दर्शन हो गए। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि मेरी हालत कैसी थी उस समय। सारी थकान मिट चुकी थी, मन बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका था, और बस यही था कि यार आज तो इतने अच्छे दर्शन मिल गए, किस तरीके से मैं भगवान को थैंक यू बोलूँ, उनका धन्यवाद करूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है और उनके पास सब कुछ है, तो मैं उनके लिए क्या ही कर सकता हूँ।
आगे यार मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि बोलने लायक कुछ है ही नहीं मेरे पास। रंग वंग सब इधर उधर से बरस रहे थे, अलग ही लेवल का माहौल था। आप देखो और इन्जॉय करो, थोड़ी देर में मिलते हैं। इतनी दूर वृंदावन आए और यहाँ की लस्सी नहीं पी तो मेरे दोस्त वृंदावन में आके आपने किया ही क्या। ज़रूर भाई रिकमेंड करूँगा, किसी भी शॉप से आप लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है यहाँ की लस्सी क्योंकि यहाँ का जो दूध है यार वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है और शुद्ध दूध की लस्सी पीना बहुत ही अलग 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 सेटिस्फैक्शन दे जाता है आपको। अभी मेरे जीभ पे वही स्वाद आ रहा था। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं हो पाया था कि भाई कहाँ जाना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए श्री राधा वल्लभ बिहारी जी मंदिर चला गया जो कि पास में ही है। और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग जब भी आओ खुद से तो एक बारी होके जाना। वहाँ से हम लोग स्कॉन मंदिर की तरफ चले गए जो कि बंद हो चुका था, मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि भाई जब भी होली के लिए आप आओगे और नॉर्मल डेज पर भी आओ तो मंदिर के टाइमिंग्स कुछ रखे जाते हैं। कुछ टाइमिंग्स इस प्रकार होते हैं, 8 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक सुबह के समय मंदिर खुला रहता है। वृंदावन का भी और पूरे ब्रज के बहुत सारे मंदिर भी इसी रूल को फॉलो करते हैं। और शाम को 4 बजे से लेके रात के 9:30-9 बजे तक और होली के दौरान 10:30-10 भी बज जाते हैं तो उस समय तक सारे मंदिर आपको खुले मिलेंगे। अब हमारी कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है तो कुर्सी की पेटी को बांध के रख लो मेरे दोस्तों, मज़ा आने वाला है अब और भी मज़ा, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मैंने पहली बार ही देखी थी अपनी आंखों से और आपको भी दिखाता हूँ। तो भैया ये जो लोग हैं ना ये गोकुल के लोग हैं और स्पेशली इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी छत से ड्रोन उड़ाने दिया। आपने नंदगांव की लठमार होली सुनी होगी, बरसाने की लड्डू वाली होली सुनी होगी, पर कभी गोकुल की छड़ीमार होली के बारे में सुना है? तो बस 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 ये आपके सामने जो हो रहा है वो सब छड़ीमार होली का सीन है और इसकी गिरफ्त में मैं खुद भी आ गया। यू नो एक्सपीरियंसेस मेक यू अ बेटर ह्यूमन। होता क्या है कि ये सब यहाँ का ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को ही फॉलो किया जा रहा है। फॉलो बोल रहा हूँ, बताओ मैं भी भाई फॉलो को फॉलो, तो आप मेरी हालत समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा पिटाई हो गई। मजाक की बात है, क्या होता है कि यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो जेंट्स पे इस तरीके से छड़ी से वार तो नहीं प्यार करती हैं। ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है और यही सब चीज़ें हमारे रिलीजन को, हमारी बिलीव्स को आगे बढ़ाती हैं। और उम्मीद शायद यही तो सबसे बड़ा फैक्टर है इस पे दुनिया भी कायम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप में से किसी एक से किसी दिन वृंदावन की गलियों में या ब्रज के किसी गांव में टकराऊंगा और होली खेलूंगा। ये सब चीज़ें तो अब अगले साल ही हो पाएंगी, तो उम्मीद ये भी करता हूँ कि ये साल जल्दी से निकले और मैं फिर से होली खेलने वृंदावन पहुँच जाऊँ।
तो भाई लोगों, होपफुली आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड में आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। आराम से मनाओ, प्यार से मनाओ और खुशी से मनाओ। भगवान सब कुछ देखता है और सब कुछ देता भी है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए एडवेंचर पे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।